नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। सिद्धार्थनगर जिले में कल नेपाल में होने वाले जनरल इलेक्शन के मद्देनजर सिद्धार्थनगर जिले से लगने वाले 68 किलोमीटर की सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया है। जिले में आवाजाही के लिए बनाए गए एसएसबी कस्टम पुलिस चौकियों पर स्थानीय पुलिस और एसएसबी के जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं। सीमा के उस पार नेपाली प्रहरी और सीमा के इस पार भारतीय क्षेत्र में एसएसबी के जवान हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपको बताते चले कि दोनों देशों में होने वाले चुनाव में दोनों तरफ की सीमाएं 72 घंटे पहले से सील दी जाती है। 72 घंटे के लिए सील हुई सीमा पर आवाजाही कल मतदान संपन्न हो जाने के बाद 12 बजे रात के बाद फिर से खुल जाएंगी। बॉर्डर पर बढ़ाई गई चौकशी और इसके सील होने के बारे में एएसपी सिद्धार्थ ने बताया कि सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया है। किसी भी तरह की आवाजाही पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। विशेष परिस्थितियों में परमिशन के आधार किसी को आने जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेपाल में कल मतदान संपन्न होने तक यह सीमा सील रहेगी। दिनांक 20 नवंबर को नेपाल राष्ट्र में जनरल इलेक्शन प्रस्तावित हैं। उक्त के दृष्टिगत जनपद सिद्धार्थनगर के 5 थाने लोटन, मोहाना, कपिलवस्तु, शोहरतगढ़ व ठेबरुआ, जिनकी सीमाएं नेपाल राष्ट्र से लगती हैं, वहां पुलिस व एसएसबी की ज्वाइंट टीम द्वारा चेकिंग व पेट्रोलिंग की जा रही है। बिना समुचित कारण के व्यक्तियों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। पुलिस द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। बॉर्डर पर शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।